12 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के जश्न में शिरकत करने के लिए बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, जिसको देखते हुए बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद द्वारा एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग दोहराई जाने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा से जब सर्वसम्मति से बिहार को विशेष राज्य देने की मांग शुरू हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पटना आ रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर बिहार विधानसभा से पारित विशेष राज्य दर्जा की मांग को स्वीकार करके बिहार को विशेष राज्य दर्जा देना चाहिए। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की पात्रता रखता है और ये मांग पुरानी है हमारी। विधानसभा के शताब्दी समारोह है, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबकी नजरें देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ है। क्या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान होगा? उसी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर करके भेजा है भारत सरकार को और उसी शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। नीति आयोग कहती है कि बिहार हर सूचकांक में नीचे है, तो इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं हो सकता कि जिस विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया हो उसी विधानसभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, तो वादा पूरा करने का इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। हम तो निश्चित तौर पर अपेक्षा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान करें। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किए गए इस मांग पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र सरकार को बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर बिहार को विशेष राज्य दर्जा देना चाहिए, जिससे कि बिहार की बदहाली खत्म हो सके, वह भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। देखिए, जिस विधानमंडल से दो बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग केंद्र सरकार को जा चुकी है, प्रस्ताव जा चुका है, उसी विधानमंडल में प्रधानमंत्री भी होंगे और उस मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे और प्रधानमंत्री से कुछ ठोस आश्वासन ले पाएंगे। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से उन्होंने बाल और नाखून वाली राजनीतिक नौटंकी की थी ना, ये विशेष राज्य का दर्जा भी उनकी राजनीतिक नौटंकी। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग किए जाने को लेकर सत्ता में सहयोगी पार्टी ने विपक्ष की मांग को निराधार और बकवास बताया है। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है, ना ही किसी भी तरह के मुद्दे बचे हैं, लगातार विकास की दिशा में काम किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, हर घर नल का जल जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश है कि डबल इंजन की सरकार लगातार जिस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है, वह आगे भी जारी रहेगी। वहीं इन मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड, जो कि एक समय विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती थी, अभी चुप्पी साधने में ही भलाई समझ रही है और कोई भी प्रवक्ता या पार्टी का पदाधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे विशेष राज्य दर्जा की मांग का क्या होगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड विपक्षी द्वारा उठाया गया किस मांग को समर्थन देती है या इसी तरह से चुप्पी साधे रहती है। बड़ी सौगात मिलेगी क्योंकि अभी लोगों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि बिहार को जिस तरीके से विशेष दर्जे की मांग है और अन्य मांग है बिहार सरकार की, उसे पीएम पूरा करें। कल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और उसके बाद बिहार आएंगे। बिहार में भी बट ब्रिक्स जो हमारा सिंबल है बिहार विधानसभा का, उसका एक सिंबॉलिक उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक कार्यक्रम भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक आध दो और शिलान्यास उद्घाटन वगैरह है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बिहार में कुछ न कुछ जरूर दे करके जाएंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के ऊपर विशेष नज़र रहा है, विशेष फोकस हमेशा से रहा है, तो पूरा उम्मीद है कि बिहार को कुछ न कुछ सौगात मिलता रहा पहले से मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। पर विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार को खुले मन से ये मांग करनी चाहिए नरेंद्र मोदी से कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए। देखिए, विपक्ष का काम है बाजा बजाना, रोते रहना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है,
मुद्दाहीन विपक्ष हो गया है, जनता ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई चीज़ नहीं रह गई है। बिहार पूरी तरह विकास कर रही है, बिहार में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी रह गई है। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, अब पिछले ही दिनों माननीय गडकरी जी हमारे आए थे और उन्होंने कह के गए कि 2024 तक हम बिहार में जो सड़क का जाल बिछाएंगे वो अमेरिका की तुलना में रहेगा। तो जो सड़क का हाल है वो काफ़ी बेहतर होते जा रहा है और आने वाले दिन में और बेहतर और शानदार सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं। अभी अभी सुपौल में एक मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है। तो सरकार दोनों जो डबल इंजन की सरकार है लगातार बिहार में विशेष काम कर रही है, हर तरह के कामों को फोकस कर रही है। तो मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं कोई कमी रही है, और विपक्ष का काम है बाजा बजाना, वो तो बाजा बजाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।